नमस्कार आपके साथ में हूं आदित्य कुमार दरअसल इस वक्त मोदी जी जो है वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि वो विराट कोहली और अन्य क्रिकेटर्स के साथ चर्चा कर रहे थे उस चर्चा में जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही बात है वो है विराट कोहली का वक्तव्य क्योंकि मोदी जी तो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिस वक्त उनको कैमरे या फिर अखबारों में ना आना हो या मीडिया में ना बने रहना हो और मोदी जी क्रिकेटर्स से बातचीत कर रहे थे सुनहरा अवसर भी था 11 साल बाद एक बार फिर से भारतीय टीम वर्ल्ड कप टी वर्ल्ड कप अपने घर ले आई है तो विराट कोहली ने ऐसा क्या कह दिया जिसको बहुत गहरी बात बोल दी है बहुत आलोक शर्मा जो कांग्रेस के नेता है वो हैं बहुत गहरी बात बोली गई है और उधर सुरेंद्र राजपूत कह रहे तो मोदी जी को ज्ञान सिखा रहे हैं दरअसल तो कही वो बात क्या विराट कोहली ने कह दी जिस बात को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है दरअसल वो विराट कोहली ने क्या कहा ये हम बोलकर नहीं बल्कि सुनाकर ही आपको बताएंगे सुन लीजिए का वीडियो है सुनिए क्या कहा विराट कोहली सुनिए और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है तो वही छोड़ने की जरूरत थी और... सुन लिया आपने विराट कोहली ने क्या कहा बताया कि जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाए तो उसका खेल बिगड़ जाता है वो ये समझे कि मैं ही मैं ही सब कुछ हूं तो खेल बिगड़ जाता है अब इसको आ, सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता मोदी जी से रिलेट कर रहे हैं कि मोदी जी को भी अहंकार आ गया था क्योंकि कुछ दिन पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ही था कि ये लोग तो कभी एनडीए की सरकार बोले ही नहीं जबकि एनडीए के सारे सहयोगी थे अभी पिछले पिछले पाँच दस वर्षों तक ना एनडीए की बोले एनडीए छोड़िए बीजेपी सरकार तक नहीं बोले मोदी सरकार बोले लेकिन अब इनको एनडीए की सरकार कहना पड़ रहा है क्योंकि इनका अहंकार टूट गया है और यही बात विराट कोहली के अगर संदर्भ में देखे तो विराट कोहली ने तो उस भाषा में नहीं कहा उन्होंने अपने क्रिकेट को लेकर कहा और अन्य सहयोगी क्रिकेट को लेकर बात की विराट कोहली ने लेकिन इसको विपक्ष के नेता तो जो शेयर करें वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के अंदर भी अहंकार आ गया था मोदी जी को भी लग रहा था मैं ही हूं मोदी जी के नाम पर जो भी टिकट पाएगा जीत कर संसद में बैठ जाएगा लेकिन ऐसा इस बार संभव नहीं दिखाई दिया ऐसा इस बार आप देख ही रहे किस तरीके से बड़े प्रत्याशी हार गए उत्तर प्रदेश में तो सोचा भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल तो एकदम से धड़ाम हो गया पता ही नहीं लगा उसकी पोल ही खुल गई एग्जिट पोल की भैया देखो इतनी सीट नहीं आई तो ये सब हुआ तो अब इसके बाद सवाल उठना लाज़मी है कि आखिरकार और मोदी जी के सामने विराट कोहली कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने अंदर जो अहंकार आ जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं चीजें बिगड़ जाती हैं वो बात दिखाई भी दे रही है और उसकी वजह से सवाल खड़ा होना लाजमी है बातें हो रही है चर्चाएं हो रही हैं लोग कमेंट कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं बातें है लिख रहे हैं तो अब समझिए आप इस बात को कि मोदी जी किस तरीके से गए। शायद मोदी जी को भी अंदाजा उस वक्त नहीं रहा होगा जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ बात कर रहे थे जिसमें सारे प्लेयर्स मौजूद थे लेकिन अब ये जब क्लिप कटी है और क्लिप कट कर उतना ही उसमें पार्ट निकाला गया है जितना काम क्योंकि अब तो सब जानते ही हैं कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कहीं से भी कुछ भी किट काटो और उसको लगाओ और उसका अर्थ से अनर्थ कर जाओ लेकिन इसमें जो बात कही जा रही थी इसका शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे समझ में आ रहा है इसका कोई अर्थ से अनर्थ नहीं है आलू से सोना निकालने वाला जैसा कि आलू डालो सोना निकालो ये तो कैसे एडिट करके वीडियो साझा की गई थी तो ये वीडियो फुल मतलब ये बताता है जितना कटिंग है वीडियो की ये फुल एक कॉन्सेप्ट बताता है लेकिन विराट कोहली मोदी जी के बारे में नहीं कह रहे थे विराट कोहली क्रिकेट के बारे में कह रहे थे कि एक प्लेयर एक प्लेयर जो होता है अगर सिर्फ वही ये सोचे कि मैं ही मैच जिता सकता हूं मान लो विराट कोहली सेंचुरी मार के चले आए प्लेयर्स खेले ही नहीं स परफॉर्मेंस खराब हो बाकी बॉलिंग बेकार हो फील्डिंग बेकार हो कीपर बेकार हो तो कहाँ से मैच जीतेंगे भाई विराट कोहली अकेले मैच तो नहीं जिता सकते शायद विराट कोहली को पहले अहंकार हो गया होगा इसीलिए उस बात को फील करके विराट कोहली बता रहे थे तो ये भी तो है कि चुनाव में मोदी जी के साथ जी सब कुछ नहीं हो पाएगा सबको लेकर चलना पड़ेगा नहीं होगा तो फिर ऐसा ही होगा आप लोग ऐसे रेड कर रहे हैं फिलहाल आप इसको कैसे देखते हैं आप जरूर अपना रिएक्शन बताइएगा फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार